तब के हिंदुस्तान और अब के पाकिस्तान के पेशावर के एक बड़े फल कारोबारी लाला गुलाम सरवर के घर जब बेटे का जन्म हुआ तो उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम मोहम्मद यूसुफ खान रखा। थोड़ी उम्र हुई तो घर से झगड़कर काम की तलाश में निकले यूसुफ पहले पुणे गए और फिर लौटकर बंबई आ गए और काम उन्हें ऐसा मिला कि अपने अब्बा से बताने में डरने लगे। नाम बदला और फिर जो हुआ वो इतिहास है। आने वाली सदियों तक जब भी फिल्म का इतिहास लिखा जाएगा, यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार के तौर पर हमेशा के लिए अंकित रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। यूसुफ खान के पिता लाला गुलाम सरवर ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करने के लिए पेशावर से बंबई आ गए थे। काम अच्छा चल निकला तो परिवार भी साथ आ गया, यूसुफ खान भी आ गए। बारनेस स्कूल देवलली से पढ़ाई की और फिर पिता से अनबन के बाद बंबई छोड़कर पुणे चले गए। पहले एक मिलिट्री कैंटीन में काम किया और फिर एक कैंटीन के मालिक बन गए। इस बीच घरवालों से रिश्ते सुधर गए, पैसे थे ही तो तय किया कि अब परिवार के साथ रहेंगे, कुछ नया काम करेंगे। और इसी काम की तलाश में एक दिन वो पहुँचे अपने पुराने पारिवारिक डॉक्टर मथानी के पास। उस वक्त मथानी बॉम्बे टाकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। मथानी ने कहा कि मेरे पास तो कोई काम नहीं है, चलो देखते हैं, शायद देविका रानी के पास कुछ काम मिल ही जाए। यूसुफ मथानी के साथ हो लिए। मथानी ने देविका रानी से बात की और फिर बात बन गई। देविका रानी ने कहा कि महीने के 1250 रुपए की पगार मिलेगी। उस जमाने में 1250 रुपए एक बड़ी रकम हुआ करती थी। यूसुफ खान की नौकरी लग गई लेकिन काम करने की नौबत ही नहीं आई। जब यूसुफ खान नौकरी के लिए पहुंचे तो देविका रानी ने पहला सवाल किया, उर्दू आती है? यूसुफ ने कहा कि हाँ। देविका रानी ने कहा कि हमें अपनी नई फिल्म के लिए एक हीरो चाहिए, तुम कल से काम पर आ सकते हो। लेकिन यूसुफ खान डर गए। डर इस बात का कि अब्बा जान को पता चलेगा तो उनकी पिटाई कर देंगे। खुद देविका रानी को भी यूसुफ खान नाम पसंद नहीं आया। देविका रानी ने नाम सुझाया दिलीप कुमार। यूसुफ खान ने भी हामी भर दी, लेकिन अपने अब्बा लाला गुलाम सरवर के लिए तो वो यूसुफ ही थे। जब उनकी फिल्म ज्वारभाटा का पोस्टर उनके घर के बगल में लगा तो यूसुफ के पिता लाला गुलाम सरवर को पता चला कि उनका बेटा फिल्मों में काम कर रहा है और अब उसका नाम यूसुफ खान नहीं दिलीप कुमार है। अब दिलीप कुमार इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड को उन्होंने उस मुकाम तक पहुँचाया है कि खुद अमिताभ बच्चन भी मानते हैं कि जब भी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें दो ही चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर दिलीप कुमार से पहले का होगा और दूसरा चैप्टर दिलीप कुमार के बाद का होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।